इधर देखिए आप, मैनपुरी की सभी विधानसभा सीटों पर डिंपल यादव आगे हो गई हैं। अभी स्कोर 3-2 था, पांचों विधानसभाओं में डिंपल यादव आगे, यानी कि समाजवादी पार्टी आगे। बहुत रोचक, मैनपुरी में लगातार रुझानों में समीकरण बदलते हुए। और ऐसे ही हिमाचल और गुजरात में आप देख लीजिए तस्वीर। गुजरात में तो बीजेपी बहुत आगे रुझानों में बहुमत प्राप्त कर चुकी है, बल्कि बहुमत से बहुत ज्यादा आगे है। और हिमाचल में मुकाबला बहुत रोचक है। खतौली में पोस्टल बैलेट की गिनती में लगातार राष्ट्रीय लोकदल आगे चल रहा है। खतौली में राष्ट्रीय लोकदल लगातार आगे। इधर रामपुर में बीजेपी के प्रत्याशी आगे। और मैनपुरी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में काउंटिंग में पोस्टल बैलेट की रुझानों में डिंपल यादव आगे, यानी कि समाजवादी पार्टी आगे। मैनपुरी में डिंपल यादव ने रघुराज शाके को पीछे छोड़ दिया है। पहले दो में ऐसा लगा, दो में बीजेपी आगे आई और उसके बाद अब पांचों में समाजवादी पार्टी आगे हो गई है। मैनपुरी लोकसभा की बात कर रहे हैं हम। खतौली में पोस्टल बैलेट की गिनती में लगातार राष्ट्रीय लोकदल आगे है और रामपुर में बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं। उधर गुजरात में 107 सीटों पर भाजपा आगे, 25 पर कांग्रेस आगे। मैनपुरी में सभी सीटों पर डिंपल यादव ने छोड़ दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।